जी को बुलाओ, तीन जन आ गए। देखिए आप, आपको पता नहीं लग रहा, मैं बता रहा हूँ, लोग बच्चे उठा के ला रहे हैं। किसी ने बच्चा पकड़ा हुआ है, उसका बच्चा उठा के ला रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा है, फिर चुप हो जाते हैं, कह रहे चलो सही पेटा को भेजो। और सबसे ज्यादा परेशानी उस दिन रघुराम राजन जी आए थे, उस दिन आप इतना फास्ट चले, हर आदमी शायद अपने मन में प्रार्थना कर रहा था कि थोड़ा धीरे हो जाओ। दर्द हुआ लेकिन हर नया डॉक्टर मिला मेरे को रोजाना। एक दिन तो एक कहता है कि बर्फ का शेक कर ले, दूसरे दिन एक कहता है गर्म में पानी में डाल दे, तीसरे दिन कहता है गोली ले ले, नहीं तो इन दोनों से नहीं होगा, चौथे दिन कहता है क्रेप बंडी मान ले, फिर ये जेब में गोली रखते हैं कि एक गोली ले लो चलना है। आप तो खाओ, आप चल रहे हो कन्याकुमारी से, लेकिन हम लोग जितना चलते हैं उतना वहाँ खाने का हो जाता है, तो मेरे को लगता है कोई लाभ नहीं हो रहा उसका। इतना चलने के बाद आधा किलो किस वजन तो कम हो, अध्यक्ष जी इतना चले आप तो कम हुआ 2-5 किलो। राजस्थान के जो लोग हैं वो बहुत मतलब सॉफ्टली बात करते हैं, प्यार से मतलब मिलते हैं, कोई मतलब बड़ा अच्छा व्यवहार है। यहाँ पे जो जानवरों के साथ व्यवहार है वो भी दूसरा है। ठीक है, जैसे 2-3 बार जानवर आए यात्रा में, किसी ने मारा नहीं उनको, नहीं मारे। एक हमारे जो कर्मचारी है, कोई गाय आ गई होगी इसके खेत में, उसने पत्थर लिया और गाय को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर जाके लगा उस गाय के बीच में यहाँ, और गाय वहीं मर गई। तो वो महाराज पहुंच गए हरिद्वार, गाय वहां जाके हरिद्वार में प्रायश्चित किया, उसके बाद 11वें दिन आया वो। कि यहाँ पे जो अग्निवीर स्कीम है उसको ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं, समझते है। बाकी स्टेट्स में थोड़ा कंफ्यूजन है कि है क्या, पर यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी है कि मतलब ये हम ठगे जा रहे हैं। बहुत विरोध किया है सर, सब समझते हैं, बिल्कुल सबको मालूम है, जो भी आ रहे हैं यंगस्टर्स आ रहे हैं कह रहे हैं कि देखो ये मतलब हमारा नुकसान हो रहा है। सर हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, फौजी भी सब वहाँ से, टीचर्स भी हमारे यहाँ पे सब वहाँ से, डॉक्टर्स भी वहाँ से, तो बाड़मेर जैसलमेर है वहाँ हम ट्रांसफर्स बैन रखते हैं क्योंकि सब इसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो एक बहुत लिटरेसी रेट हाई है, तो जनरली सब कुछ यहाँ से आते हैं। वेस्टर्न राजस्थान जोधपुर जहाँ से सीएम साहब हमारे, हम पॉलिटिकल आईक्यू के लिए नोन है, लिटरेसी रेट हमारी लो है, और हम राजस्थान के अंदर राजनीतिक चेतना हमारे वहाँ ज्यादा है, लिटरेसी वहाँ ज्यादा है, जॉब्स वहाँ से ज्यादा आते हैं। एक पॉइंट सर ऐसा है माधोपुर में, एक लड़की आई रोती हुई बिलखती हुई, वो आपके पास आई, आपने उसको सीने से लगा, वो और ज्यादा रोने लगी, एंड यू गेज डेट दैट शी इज नॉट क्राइंग आउट ऑफ हैप्पीनेस, शी इज क्राइंग आउट ऑफ पेन। तो सडनली सर व्हाट यू डेट, उस लड़की को आपने पकड़ के उल्टा घुमा दिया कैमरे के सामने, एंड यू स्पोक टू हर फॉर 5 मिनट्स कीपिंग बैक फ्रॉम द कैमरा, यू रिजॉल्वड अ थिंग एंड देन यू सेंट अ बैक। बिकॉज आई सॉ मायसेल्फ कमिंग टू सी मी, अगर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ आता और मैं रो रहा होता और मुझे इतना दर्द होता कि मैं सबके सामने रो रहा हूँ, तो फिर मैं अपना मुंह इनको नहीं दिखाना चाहता। सर एक अपने देश की जो परंपरा है ना, वो यात्राओं के प्रति बहुत श्रद्धा है लोगों की, चाहे राजनीति के लिए लोग पैदल चले हों, चाहे आजादी की लड़ाई के लिए पैदल चले हों, या धार्मिक स्थल पे जाने के लिए पैदल चले हों। रैलियां लगातार जब भी पॉलिटिकल हम करते हैं, लेकिन जितनी ताकत हम लगाते हैं ना उससे बहुत कम ताकत लगानी पड़ी है। लोग पैदल आए हैं 5-5 किलोमीटर से पैदल, ऐसा लोग कह रहे हैं कि वापस दोबारा भी यात्रा निकाल रहे हैं क्या? कश्मीर से वापस करने को ऐसा हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है करना चाहिए? कहाँ से कहाँ? सर मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट तो ये कि उसमें भिलवाड़ा अगर वापस राजस्थान। 1,35,00,000 परिवारों का सरकार हर साल, 1,35,00,000 जो गरीब फैमिली है राजस्थान में, 2,200 करोड़ रुपए सालाना प्रीमियम जमा करा रही सरकार। MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, गरीब आदमी जब तकलीफ होता है तकलीफ आती है उसको, तो संख्या तो बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो हमने सबके लिए कर दिया, तो कॉन्फिडेंस हो गया भाई कि अगर बीमारी हो गई मेरे को तकलीफ नहीं आएगी। सर आपने जो एक बात कही थी ना, भी किसानों से जब मैं हाथ मिलाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनकी कितनी मेहनत है, वो बहुत कनेक्ट की है लोगों को, और आज की जो सभा थी उसमें जो आपकी कनेक्टिविटी जो पब्लिक से थी वो बहुत अच्छी है। आज बोले ना सर आप, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है, बहुत अच्छा लगा लोगों को। मतलब मेरा मानना है कि जो इश्यू आपने 3 लिए है वो इश्यू हर घर तक पूरे कंट्री का, कोई राज्य हो जहाँ यात्रा नहीं निकल रही वो भी टच कर गए।